हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल आर्ट्स। आज हम होममेड स्टैम्प बना रहे हैं और स्टैम्प से हम हमारे किसी भी गिफ्ट को एक पर्सनल टच दे सकते हैं। या बहुत लोग घर से बिजनेस करते हैं, वो अपने ऑर्डर को एक पर्सनलाइज लुक भी दे सकते हैं। आप यह स्टैम्प को ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग की वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें ब्लॉक बनाने से क्या होगा कि आप अपनी मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले जिसमें मुझे बनाना है, जो शेप बनानी है, उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। मैं दो शेप ले रही हूँ, एक थोड़ा चौड़ी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मैं आपको किसी भी बर्तन में या बाउल में आप पीओपी लीजिए। और पानी के साथ हमें इसको घोलना है। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, कभी आप पर पतला ना हो जाए। और इसके अंदर लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और इस बैटर को हम इस बाउल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसको हम सूखने के लिए रखेंगे। जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक हमें इसको टच नहीं करना है। ये हमारी पीओपी सूख गई है, अब हमें इसमें से निकालना है इसको। इसके लिए हम इसे उल्टा रखेंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे और ये हमारी स्टेंसिल निकल आई है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन ड्रॉ करना है जैसा हम चाहते हैं। या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस का कोई लोगो होगा, आप उसको बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लीफ का डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, और हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये छोटे साइज का पेचकस जो होता है उसको लिया है और इससे हम इसकी आउटलाइन बना रहे हैं। और इसे हमें जो एक्स्ट्रा है उसे हमें निकालना है यहाँ से। ये हमारे लीफ बन गया है इसके ऊपर। और ऐसे ही मैंने जो दूसरे वाला स्टेंसिल था उसके ऊपर मैंने हार्ट शेप किया है और इसके ऊपर लीफ कर रही हूँ।
ऐसे इसको हमें ब्लॉक की तरह वापस रखना है। हमारी दोनों पीओपी के इसका स्टेंसिल का इम्प्रेशन ऐसा आया है। इससे आप चाहें जैसा मर्जी डिज़ाइन भी बना सकते हैं और अपना लोगो भी बना सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।